जय हिंद। देखिए, इसके पहले हमने जो है कॉमन कैटेगरीज की कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक। और कॉमन कैटेगरीज की कार्टेशियन इक्वेशन हमने जो है कैसे फाइंड किया था, और उसमें कुछ जो है यक्स और वाई में रिलेशन भी निकाले थे। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो है देखेंगे, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में। तो इसमें आज हम जो है रिलेशन रिलेशन बिटवीन यक्स एंड साई, ठीक, आज हम ये रिलेशन जो है निकालेंगे। दिख नहीं रहा होगा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई, है ना। तो आपने कॉमन कैटेगरीज इक्वेशन पढ़ा है, एस इज इक्वल टू सी टैन साई पढ़ा था, और एक आपने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक, जिसमें आपने पढ़ा था कि डी एस अपान डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा था, है ना, ठीक। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो टैन साई होता है ये स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई अपान डी एक्स होता है, ठीक, ये टैन साई के इक्वल होता है ना। तो इस टैन साई के स्थान पे हम क्या रख देंगे, डी वाई अपान डी एक्स अगर पुट कर दें, या ऐसे ना करो, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इसका, तो ये हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एस अपान डी एक्स इज इक्वल टू सी सेक वाई, ठीक, यही होता है, नहीं टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, हाँ सेक स्क्वायर साई होगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर साई, ठीक। तो इसमें इसमें डिफरेंशिएट साई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको हम मिठाई दे रहे हैं, जो हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साई, ठीक है, साई के रिस्पेक्ट में, तो डी एस अपॉन डी साई इक्वल सी सेक स्क्वायर साई होगा, ठीक है। अब देखिए, आपने ये पढ़ा है कि डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर होता है, अंडर रूट में आपने पढ़ा। अब देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ टेन साई जो है यही स्लोप है, तो ये जो है उसके इक्वल होता, तो इसको हम यहाँ रखेंगे, तो ये डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर साई बनेगा, और ये वन प्लस टेन स्क्वायर साई हमारा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर साई के, तो सेक स्क्वायर साई रूट हटाने पर क्या बचेगा, सेक साई बनेगा, ठीक। अब ये सेक साई बन गया, अब इसको उधर ले जाएंगे, तो ये डी एस इज इक्वल टू सेक
साई इंटू डी एक्स बनेगा, ठीक है। अब रिलेशन हमें एक्स एंड साई में है लाना है, तो इसलिए हम जो है एक्स को भी लाएंगे यहाँ पर। तो अब ये हमें मिला, तो हम इसको जो है क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो डी एस इज इक्वल टू, या डी एस के स्थान पे इसको रख देते हैं ना, तो इसको रखने पर हमें सेक साई अपान डी साई इज इक्वल टू, और यहाँ पर डी एक्स भी है ना, यहाँ पर डी एक्स भी है, तो सी सेक स्क्वायर साई, ये डी एस की वैल्यू सेक साई हमने यहाँ रख दिया डी एस के स्थान पे, ठीक है। अब ये, अब इसको हम देखो क्या करेंगे, यहाँ से एक सेक स्क्वायर से एक सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा डी एक्स, क्या बचेगा डी एक्स, और ये जो साई है हमारा ये डी साई, ये इधर चला जाएगा, तो ये सी सेक स्क्वायर साई हो जाएगा, ठीक है, और ये डी साई इधर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेट डी एक्स इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, तो बाहर रहेगा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर साई डी साई, ठीक। अब यहाँ सेक स्क्वायर नहीं होगा, सेक साई, क्योंकि ये कैंसिल हो गया है ना, इसलिए, ठीक है। अब इसका तो इंटीग्रेट क्या हो, इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स होगा, और इसका सी, और इसका होता है याद रखना लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, ठीक, आप लोगों को याद होगा सेक एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है ना, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ साई है, क्या है साई, तो ये इसका जो है इंटीग्रेट हो गया, और इसमें कांस्टेंट भी जुड़ेगा, तो कांस्टेंट मान लो लेमडा है, क्या है लेमडा, ठीक, ये इसका कांस्टेंट हो गया। अभी तो हमारे यक्स तो आ गया, साई भी आ गया, लेकिन अभी रिलेशन कम्प्लीटली नहीं बना है ना, क्योंकि अभी इसमें कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो जब टेंशन के पैरेलल, जब हम वहां पर अपने देखा होगा पढ़ाए हैं कि जब ये हमारा क्या था, कर्व था, स्ट्रिंग थी, और ये जो लटकी हुई है, और ये इसका जो है सैग था, और यहाँ से ये टी नाट था, और ये इसका जो टेंजेंट पॉइंट था, ठीक है, और ये इसके पैरेलल थी, तो ये हमारा ओरिजिन था, तो ये एंगल क्या था, साई था, और यहाँ पर जो है क्या था, यहाँ पर बेट था, है ना, यहाँ पर क्या था, बेट ओमेगा एस था, ठीक। और ये ओमेगा जो बेट होता था, ये किस क्या होता था कि ये ओमेगा होता है कि स्ट्रिंग जो है के आधार पर, स्ट्रिंग कहाँ कहाँ जो है, मतलब उसका जो कॉमन कैटेगरीज है वो कहाँ कहाँ अलग है, और कहाँ कहाँ जो है अलग नहीं, मतलब सेम है, तो मतलब स्ट्रिंग के आधार पर ये ओमेगा का जो बेट है ये क्या है, मतलब अलग होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है, ये तो ये ओमेगा उसको जो है डिनोट प्रेजेंट करता है, मतलब ठीक है स्ट्रिंग के बेट को, ठीक। तो यहाँ से ये ए था, ये क्या था ए, इसके कोऑर्डिनेट जीरो कामा सी थे, क्योंकि ये डिस्टेंस सी होती है, क्योंकि टी नाट इज इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, ओमेगा सी, है ना, तो मतलब ये जितनी ये सी होती है उतनी दूरी पर ये क्या होती है, जो है एक्स एक्सिस होती है ना। तो हमने इसमें बताया था कि अगर ये एंगल साई है, तो इसको मिलाने पर जो ये एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा, साई, ठीक। और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने पर जो है, पैरेलल होने पर ये जो एंगल था साई, ये क्या था, जीरो था, क्या था, जीरो। तो अगर हम, और एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ जीरो है, तो यहाँ जीरो रख दें, ठीक, यहाँ पर क्या रख दें, जीरो,
और यहाँ पर सेक जो है जीरो का, यहाँ साई के स्थान पे जीरो रखना है, तो यहाँ अगर जीरो रखें तो सेक जीरो का मान क्या होता है, वन होता है ना, और ये जीरो हो जाएगा। तो ये सी लाग इसमें जो है इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वन बचेगा, बाकी ये जीरो हो गया प्लस लेमडा बचेगा। तो ये हमारा जो लाग वन है इसकी वैल्यू क्या होती, जीरो हो, तो ये भी जीरो हो गया, तो लेमडा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, लेमडा की वैल्यू भी हमें जीरो मिल गई। ठीक है, अब जब लेमडा की वैल्यू हमें जीरो मिल गई तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ जीरो रखेंगे तो हमारा जो यक्स और साई में रिलेशन आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू सी लाग सेक साई प्लस टेन साई मॉड में, यही हमारा रिलेशन है एक्स और साई में। ठीक है, यही हमारा रिलेशन किस में है, यक्स और साई में। ठीक, अब इसमें जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, तो इसमें तुम्हें जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि किसी पॉइंट पर है ना, किसी पॉइंट पर जैसे इसको हम रेज किए दे रहे हैं इधर, ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमारा जो टेंशन, जो टेंशन है वो टेंशन मैक्स एंड एंगल 30 डिग्री, ठीक, टेंशन मैक्स एंड एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो कहेगा कि फाइंड एक्स, एक्स हमको फाइंड करके बता दो। ठीक, तो देखिए इसमें तुम्हें यही रिलेशन जो है लगाना पड़ेगा, एक्स तुम्हें निकालना है और एंगल दिया 30। ठीक, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तुम्हें एक्स इज इक्वल, और सी की वैल्यू भी दी रहेगी, मान लो सी की वैल्यू तुम्हें दे दिया 2, क्या क्या दे दिया 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक, सी के जगह में, और यहाँ लॉग, अब मैं डायरेक्ट है लिख रहा हूँ, ठीक है, लॉग सेक साई के स्थान पे 30 रखना है, तो सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2/√3 होती है, और टेन साई की जो, टेन 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/√3 होती है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 log, ठीक, क्या बनेगा, ये 2 log√3 बनेगा। ठीक, 2 log√3, देखो √3 एलसीएम आएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 3/√3 बनेगा, और इसका जो है रेशनलाइज करने पर हमें √3 मिलेगा, रेशनलाइज जानते हैं ना, प्रमेयीकरण, जैसे हमें ये 3/√3 मिला लॉग, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये कैंसिल, तो क्या बचा, √3 बचा, तो वही यहाँ पर 2 log√3 हमें मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, 2 log√3 हमको जो है इसका आंसर मिलेगा। ठीक, अब जैसे इसमें कह दे y निकालिए, ठीक है, क्या निकालिए, y, मान लो ये तो हमारा x की वैल्यू आ गई, अब इस प्रकार से कह दे y निकालिए, तो y वाला रिलेशन ध्यान कीजिए, जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन जो हमने निकाला था वो y इज इक्वल टू क्या निकाले थे, सी कॉस हाइपरबोलिक x अपान 2, क्या निकाले थे, सी कॉस हाइपरबोलिक x अपान सी। ठीक,
तो तुम्हें अगर देखो एक्स निकालने के लिए कहे यक्स और जो है एंगल दिया हो तो ये रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, हमने रेज कर दिया। ठीक है, यहाँ से देख लेना, यहाँ लेमडा की वैल्यू 0 तो यही इतना बचता था, और तो उससे एक्स आ गया। और अगर वाई निकालने के लिए कह दे तो तुम्हें जब इसमें से सी पता है, ठीक, सी तुम्हें मालूम है, और यहाँ पर सी दिया है 2 और कॉस हाइपरबोलिक, एक्स की वैल्यू तुमने क्या निकाला था, एक्स की वैल्यू आई थी लॉग, ठीक, 2 log√3 आई थी, है ना। तो यहाँ पर नीचे सी की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 cos hyperbolic log√3 बचेगा। तो यहाँ से तुमने एक फार्मूला जो है पढ़ा है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, वो प्लस होता है यहाँ पर अपान में 2, ये पढ़ा है। तो ये हमारा एक्स है तो इसको लिखेंगे तो 2 बाहर रहेगा, इसको लिखेंगे ई के पावर log√3 और प्लस ई के पावर माइनस log√3, ठीक है, और अपान में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ई के पावर log√3 है। तो आपने एक फार्मूला और पढ़ा है, ठीक, ये फार्मूले सब याद करते जाना, ए लॉग एट द बेस ई ई बी, ऐसा कुछ पढ़ा है, याद है किसी को? याद होना भी चाहिए, है ना। हाँ यही होता, तो ये ला ए लॉग एट द बेस ई बी बराबर होता है बी के, किसके, बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, ई के पावर log√3 है, क्या है, ई के पावर log√3, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, ये √3 बचेगा यहाँ पर, है ना, √3। सही है, और इसमें देखिए ये यहाँ पर प्लस है तो ये हमारा माइनस है ना, तो ये आपने पढ़ा ना कि m के पावर log m के पावर n इज इक्वल टू n log m, तो यहाँ माइनस इसके मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। तो पावर में जाने का मतलब ये हमारा √3 के पावर -1 बनेगा, तो ये हमारा √3 +1/√3, ठीक। तो ये हमारा वाई मिल गया, क्या मिल गया, वाई, इसको और सॉल्व कर लेना एलसीएम लेकर के, ये वाई। इस प्रकार से आप जो है यक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स भी जो है निकाल सकते हैं इन रिलेशनों के हेल्प से, ठीक। तो एक्स और साई में रिलेशन है, तो अगर साई दिया है और सी दिया है तो तुम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक, तो यक्स की वैल्यू यहाँ जो है पुट करके वाई की वैल्यू तुम निकाल सकते हो इस रिलेशन से, ठीक है, इस वाले रिलेशन से। तो ये तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे जो रिलेशन्स हैं ये पीजीटी में बहुत काम आएंगे, और इनको जो है रिलेशन्स को याद रखना, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन मतलब आ ही जाते हैं, ठीक है। या रिलेशन पूछ ले या जो है छोटे छोटे क्वेश्चन दे, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देखेंगे, रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई में अब देखेंगे, ठीक है। ये तो हमारे यक्स और साई में था, अब हम रिलेशन जो है देखेंगे यक्स और वो सॉरी वाई और साई में।
तो देखिए रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई में, तो इसमें हम जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लेके चलेंगे, ये रिलेशन लेकर के चलेंगे। अब ये आया कहाँ से ये देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जैसे हमने कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ा था वाई इज इक्वल टू सी कॉस एक्स अपान सी, है ना, ये पढ़ा था। अब इसका हम जो क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू सी, और इसका हो जाएगा यहाँ हाइपरबोलिक है सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, ठीक। और इनटू में इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन अपान सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी बनेगा। क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। अब देखिए ये हमारा जो डी वाई अपान डी एक्स, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो यहाँ हम टेन साई लिख सकते हैं। तो टेन साई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, एक्स अपान सी बना, है ना। अब जब हमारे ये हमारे पास जो है इतना है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी आ गया, ठीक। तो इसमें जो है टेन साई हमारा टेन साई किसके इक्वल होता है, टेन साई हमारा जो होगा वो एस अपान सी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एस अपान सी के। क्यों होगा, क्योंकि देखिए एस इज इक्वल टू कॉमन कटेंडेज की इक्वेशन ये होती है ना, एस इज इक्वल टू सी टेन साई। तो यहाँ से टेन साई सी इसके बटे में आ जाएगी, तो टेन साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन साई की वैल्यू आ जाएगी सी अपान वो सॉरी एस अपान सी ये आएगी। तो ये वैल्यू एस अपान सी हमने इसके स्थान पे रख दिया, और ये हमें मिलेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी मिलेगा, ठीक। ये हमारा इतना आ गया, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये लिखा हुआ है कॉमन कटेंडेज इक्वेशन, ठीक, इसको जो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हाँ वही लिख लेंगे टेन साइज इक्वल टू यस अपान सी लिख लिया, ठीक। अब आप ये बताइए कि आप जानते हैं जैसे फार्मूला पढ़ा होगा कि कास स्क्वायर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है, क्या होता है वन, पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स अपान सी है, क्या है एक्स अपान सी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉस एक्स अपान सी है। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूँ, तो इसको इधर भेजने पर देखो तुम्हें क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी की जो वैल्यू मिलेगी वो वाई अपान सी मिलेगी, ये सी इसके डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ से जो साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी की वैल्यू वो एस अपान सी है, क्या है एस अपान सी। तो मतलब कि मैं यहाँ पर वाई अपान सी का स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पर मैं यस अपान सी का स्क्वायर कर दूं, तो ये हमारा वन के इक्वल होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मिलेगा, है ना, ध्यान रखना। इस प्रकार से हमने इसको जो है निकाला, और यहीं से हमें जो है वाई और साई के बीच में रिलेशन मिलेगा, ठीक। तो अब इसको हम लेके चलेंगे, तो ये वाई तो हमें मिल ही गया है, लेकिन जो सी स्क्वायर है प्लस एस स्क्वायर है, अब यहाँ पर हमें साई बनाना है, क्या बनाना है साई। तो अब इसको हम साई कैसे बनाएं, ठीक। तो इसको हम साई बनाने के लिए
एस के स्थान पे जो रखा है फिर इसका यूज कर लेंगे इसका, है ना। तो ये सी स्क्वायर प्लस क्या बना, इसको रखेंगे स्क्वायर है तो सी स्क्वायर और टेन स्क्वायर साई। ठीक, अब देखिए ये वाई स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन है तो 1 + tan² साई बनाइए। ठीक, और 1 + tan² साई किसके इक्वल होता है, फार्मूले तो याद होंगे ना, सेक स्क्वायर एक्स के, टेन स्क्वायर एक्स इज 1 + tan² एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ साई है तो सेक स्क्वायर साई हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा रिलेशन आ गया है यही हमारा वाई और साई के बीच में रिलेशन है। ठीक, समझ में आया। तो अगर तुम्हें वाई की वैल्यू निकालना हो और सी दिया हो और साई दिया हो तो वाई की वैल्यू यहां से निकल आएगी आसानी से। अब हम नेक्स्ट जो है रिलेशन निकालेंगे वाई टी और वाई के बीच में, टेंशन और वाई के, है ना। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ रिलेशन बिटवीन टी एंड वाई, टी एंड वाई इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो आपने पढ़ा है कि जो टी होता है, ठीक समझ रहे हो ना, टी नाट वो हमारा टी कॉस साई की इक्वल होता है, पढ़ा है आपने। जब यहाँ मैं ऐसे पढ़ा रहा था कॉमन कैटेगरी तो हमने यहाँ पर कहा था ना कि ये टी नाट होता है तो ये जो है इधर इधर कंपोनेंट टी का साई होता है तो ये इसके इक्वल होगा, देख लेना वीडियो में। ठीक है, वीडियो जब अच्छे देखोगे स्टार्टिंग से तब बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है कि यहाँ मैं क्या बता रहा। ठीक, तो टी नाट इज इक्वल टी का साई हुआ। अब हमें टी और वाई बनाना है, तो देखिए टी हमारा जो होता है टी नाट, ठीक, वो ओमेगा सी के भी इक्वल होता है। हमने ये कॉमन कैटेगरी जब पढ़ाए थे स्टार्ट की तब बताए थे, ठीक है, कि ये हमारा ओमेगा सी के इक्वल होता है टी नाट, और ये टी कॉस साई हो गया, क्या हो गया, टी कॉस साई। ठीक, अब हमें टी कॉस साई जो है मिल गया और ये ओमेगा जो है सी मिल गया। ठीक, तो यहां से तो यहां से हम कॉस साई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस साई के स्थान पे सी अपान वाई लिख सकते हैं। ठीक, समझ रहे हो, क्योंकि वाई इज इक्वल टू सी सेक साई। ठीक, सी सेक साई, देखिए यहां से ये इतना मिला था रिलेशन तो यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहां से वाई इज इक्वल टू सी सेक साई भी मिलेगा। ठीक है, इस रिलेशन में तो हम यहां से वाई अपान सी इज इक्वल टू सेक साई हो गया। अब इसको कॉस में चेंज कर लेंगे तो कॉस साइज इक्वल टू ये चेंज हो जाएगा सी अपान वाई आ जाएगा, तो इसका यूज करेंगे। ठीक, कॉस साइज इज इक्वल टू सी अपान वाई, तो यहाँ पर हम रख देंगे ओमेगा सी इज इक्वल टू टी सी अपान वाई, तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू ओमेगा वाई आ जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा वाई। ठीक, यही हमारा रिलेशन होता है टी और वाई में। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। और जो ये ओमेगा होता है ये पर यूनिट लेंथ होती है उस बेल्ट की या उस चेन की जो हम स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने जो है ये सारे रिलेशन बता दिए। तो ये रिलेशन हमारा टी और वाई में है याद रखना, और ये वाला रिलेशन जो हमारा है या ये भी याद रखना, या ये एक ही बात है। ठीक, तो ये हमारा रिलेशन वाई और साई के बीच में है। ठीक, और ये हमारे रिलेशन वाई और एस के जो है बीच में समझ सकते हैं कि है। ठीक, इसका यूज करते हुए हम जो रिलेशन वाई और साई के बीच में निकाले हैं। ठीक है,
तो ये सारे रिलेशंस जो है याद रखना, ठीक। तो इसके बाद कट एंड रीज के बारे में या कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में और थोड़ा सा देखेंगे कल, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।